आज देश भर में कई सारी डॉक्टर जो हैं वो सड़क पर उतरी हुई दिखाई दी। मामला यह है कि पिछले दिनों बंगाल के कोलकाता से खबर सामने आई। कोलकाता में एक आरजी मेडिकल कॉलेज के अंदर एक महिला डॉक्टर जो कि देर रात ड्यूटी करने के लिए अस्पताल पहुंची हुई थी, उसके साथ बलात्कार हुआ। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक महिला डॉक्टर का बलात्कार अस्पताल के अंदर हुआ। सोच करके ऐसा लगता है कि न जाने ये देश किस तरफ चला जा चुका है। इस देश में कैसे कैसे लोग भी रह रहे हैं जिसको चिन्हित करना ज़रूरी है और ऐसे लोगों को सज़ा दिलानी काफ़ी ज़रूरी है। आपको बताएं, ये पूरा मामला इस तरह से होता है कि देर रात जो है डॉक्टर अपनी ड्यूटी कर रही होती है। ड्यूटी करते करते वो जब थक जाती है तो लैब में एक कमरे में जा करके वो चली जाती हैं। वहाँ थोड़ा सा वो आराम करना चाहती हैं और इसी दरमियान उसी अस्पताल के अंदर एक कर्मचारी होता है जिसका नाम संजय बताया जा रहा है। वो व्यक्ति उस महिला डॉक्टर के पास जाता है और फिर उसके साथ उसकी इज्जत लूटता है, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है और उसे मार देता है। आपको बताएं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आया है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। उस महिला डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट्स पर कई सारे जख्म हैं, उसके होठों पर कई जख्म हैं, जिस्म के कई हिस्सों में जख्म हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी बर्बरता के साथ उस महिला डॉक्टर की जिंदगी बर्बाद की गई और उन्हें मौत दे दी गई। आपको बताएं कि उस दरिंदे ने पहले उस डॉक्टर महिला का बलात्कार किया, बाद में मर्डर किया, या पहले मर्डर किया बाद में बलात्कार किया, यह अभी तक सही तरीके से क्लियर नहीं हो पाया। इतनी बेरहमी के साथ ये सब कुछ किया गया कि रूह कांप उठेगा। इस पूरे मामले के बारे में जब जानकारी मिली तब लोगों के होश उड़ गए कि अस्पताल के अंदर एक महिला डॉक्टर के साथ ये सब कुछ हुआ है। इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल जब शुरू की गई तो पता चला कि उसी अस्पताल में कार्यरत एक व्यक्ति जिसका नाम संजय है, उसी ने ये सब कुछ किया है। आपको बताते चले कि इस पूरे मामले के बाद पुलिस प्रशासन ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। संजय ने इस बात को कबूला है कि वो किस तरह से एक हिंसक प्रवृत्ति का इंसान रहा है। उसने अपनी माँ, बहन और न जाने किस किस से लड़ाइयाँ की है, कई बार उन लोगों के ऊपर हिंसक हमले किए और इस बीच उसने एक डॉक्टर के साथ इस तरह से दरिंदगी की। इस पूरे मामले के बाद आपको बताएं कि पूरे बंगाल में एक रोष है, गुस्सा है, लोगों के अंदर एक गुस्सा है और इसको लेकर के पूरे देश में कई जगह, उत्तर प्रदेश, बिहार और कई राज्यों में जो है डॉक्टर्स ने सड़क पर उतर करके आंदोलन किया। उन्होंने इंसाफ की दुहाई मांगी, उन्होंने कहा कि उस इंसान को सख्त से सख्त सजा दी जाए जिसने एक महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी की। इस पूरे मामले में जो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी, उनका यह कहना है कि अगर इस पूरे मामले में जो पुलिस प्रशासन है, अगर वो सही तरीके से, बंगाल की पुलिस जो है वो इस पूरे मामले में सही तरीके से जांच पड़ताल नहीं करती है और जल्द से जल्द दोषी को सज़ा नहीं दिलवा पाती है तो इस मामले का सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करवाया जाएगा। और आपको बताएं, इस पूरे घटनाक्रम के बाद भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी पर हमलावर है और उस सरकार को घेरने का काम करी। किस तरह से सरकार विफल है कि एक शख्स एक सरकारी अस्पताल के अंदर एक सरकारी कर्मचारी के साथ बलात्कार करता है। ये पूरा मामला काफी चिंताजनक है, काफी परेशान करने वाला है। इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।